दोस्तों आपको तो सभी को पता ही है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति सभी के कितने प्रिय थे। तो उन्होंने एक बार बात कही थी कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना भी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आजाद, एडवोकेट होशियारपुर पंजाब से। पहले मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पार्ट वन की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया था कि जो चैप्टर नंबर 10 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, जिसमें पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, 51 टू 60 सेक्शन है वहाँ पे, तो उसके बारे में ओवरव्यू दिया था। तो आज उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सेकंड पार्ट का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम डिटेल हर एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 51 क्या कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉई या ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या कोई और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज किया हो, वो एक ऑफिसर या एम्प्लॉई की तरह वो फंक्शन डिस्चार्ज करे, उसके फंक्शन डिस्चार्ज करने में वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, कोई रोकथाम पैदा कर रहा है कोई भी इंसान, या फिर उसके द्वारा कोई डायरेक्शन दी गई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दी है, या स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है, या उसके बिहाफ पे किसी ऑफिसर या एम्प्लॉई ने कोई डायरेक्शन दी है, बोला गया है कि यहाँ से गुजरना मना है, यहाँ से मत जाओ, ठीक है, तो उसकी जो उसके हुक्म उसकी डायरेक्शन को मानने से कोई रिफ्यूज़ करता है, तो उसके रिफ्यूज़ करने पे सेक्शन 51 में ऑफेंस माना जाएगा। तो दो तरह के एक्ट हैं जो पनिशेबल हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करनी, दूसरा रिफ्यूज़ करना। सजा के प्रावधान में हम दो तरह की सजा देख सकते हैं। अगर सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्यूज़ल है तो सिंपल मैक्सिमम एक साल की सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन या रिफ्यूज़ल की वजह से किसी की ज़िंदगी चली गई है या ज़िंदगी को इमिनेंट डेंजर आ गया है, तो मैक्सिमम 2 ईयर्स की सज़ा हो सकती है, यानी एक साल से बढ़ के 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। बाकी 52 की बात करें तो अगर कोई आदमी कोई भी इंसान फॉल्स क्लेम करता है, ऐसे हम बात कर रहे थे कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है तो उसमें डिज़ास्टर के बारे में बात की गई है। अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए, जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 जैसा कोई डिज़ास्टर आ जाए, तो उसमें सभी बंदे घरों में कैद हो चुके हैं, अपने काम पे नहीं जा सकते, तो पूरी तरह से डिस्कस किया कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को, अपने देश के लोगों को रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की जाए, उनको राशन बांटा जाए, मेडिसिन दी जाए, और भी नीडी पर्संस को जो भी ज़रूरत है वो मुहैया करवाई जाए। अब अगर राशन बांटा जा रहा है, या मेडिसिन दी जा रही है, या कोई भी ऐसी आइटम दी जा रही है जो डेली एसेंशियल यूटिलिटीज में आती है, तो उसमें कोई आदमी फॉल्स क्लेम करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, घर पे बोरे भरे पड़े हैं अनाज के, लेकिन वो फॉल्स क्लेम करता है कि मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ, तो ऐसे में ऑफेंस जो 52 का हो जाएगा। ये हमने जैसे बताया कि ये ऑफेंस करेगा कौन, ये जनरल पब्लिक में कोई भी इंसान कर सकता है, तो उसको नॉलेज हो कि वो जो क्लेम कर रहा है वो फॉल्स कर रहा है, डिसबिलीव में करता है, अगर उसे लग रहा है, बोनाफाइडली लग रहा है कि वो जो क्लेम करता है बिल्कुल सही है, तो नहीं होगा। लेकिन वो नोइंगली कि फॉल्स क्लेम कर रहा हूँ, मेरे को पता है, फिर भी फॉल्स क्लेम कर रहा है कोई रिलीफ लेने के लिए, कोई असिस्टेंट लेने के लिए, कोई रिपेयर करवाने के लिए, मान लो अर्थक्वेक आ गया, उसका घर जो है वो टूट गया, तो वो फॉल्स क्लेम कर रहा है, घर उसका पहले ही टूटा हुआ था, वो बोल रहा है कि अर्थक्वेक आने से टूटा है, तो इसमें फॉल्स क्लेम का केस हो सकता है उसके खिलाफ। तो भाई पनिशमेंट कितनी है इसमें, 2 ईयर्स की पनिशमेंट है और फाइन भी होगा, एंड फाइन है, वर्ड एंड है, देख लीजिए वो वर्ड एंड है, तो मतलब फाइन भी होगा। पनिशमेंट फॉर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मटेरियल की बात करें, सेक्शन 53 है, इसमें अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या किसी और बंदा, जो और भी इंसान को जिसे हमने अथॉरिटी दी है, हैविंग इन ट्रस्ट, जिसके ऊपर ट्रस्ट था तो उसको हमने अथॉरिटी दी है, क्या किस बारे में, कोई मनी की अथॉरिटी दी है, जैसे इकट्ठे किए लोगों ने पैसे एक मोहल्ले में, कि हम एक बंदे को पैसे पकड़ा देते हैं, वो ही सारा सामान खरीद के सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो जो जरूरी की चीज़ें हैं वो एक बंदा ही ला के हमें दे देगा, तो वो जो पैसे हैं वो लेके भाग जाता है, या फिर वो पैसों का अपने लिए कोई मोबाइल खरीद लेता है, या कोई ऐसे मतलब किसी के देने थे उसने उसको दे देता है, तो मिसअप्रोप्रिएट कर दिए ना, लेके आना था राशन, उसने अपने देनदार को मतलब के जो जिसके उसने पैसे देने थे या लोन लिया था, उसने अपना लोन उतार दिया, तो
मिसअप्रोप्रिएट कर दिया तो सेक्शन 53 में वो लायबल हो सकता है। या पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कोई एमपी फंड में ग्रांट आई है या कोई किसी भी फंड में कोई ग्रांट आई है तो किसी पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी लगाई है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि डीईओ ने ड्यूटी लगाई है, जो अध्यापक है, हेडमास्टर टीचर लाइन में है, उनकी ड्यूटी लगाई कि वो राशन बांटेंगे, तो वो राशन बांटने की बजाय राशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, या फिर वो मनी दिए थे उनको, मनी उन्होंने अपने यूज के लिए कर ली, कन्वर्ट कर दी, तो वो लायबल हो जाएंगे। तो इसमें पनिशमेंट के बारे में बात करें तो इसमें 2 साल तक की सजा और फाइन भी होगा, ठीक है। उसके बाद 54 सेक्शन की बात करें तो फॉल्स वार्निंग की बात की गई है। यहाँ पे फॉल्स वार्निंग, अगर कोई फॉल्स वार्निंग, फॉल्स अलार्म कर देता है, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दिया जिससे फॉल्स अलार्म आ जाए, ठीक है, मतलब पैनिक आ जाए, दुनिया में पैनिक हो जाए, या फिर गलत ही इंफॉर्मेशन दे रहा है जो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, तो वार्निंग दे रहा है, फॉल्स वार्निंग, ठीक है। सेक्शन 54 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग की सजा है, ठीक है। ये करेगा कौन? कोई भी इंसान, जनरल पब्लिक में से कोई भी इंसान कर सकता है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, गलत मैसेज डाल दिया, गलत इन्फॉर्मेशन का मैसेज डाल दिया, तो वो गलत हो गया ना, तो फिर वो लायबल हो जाएगा पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग में, सेक्शन 54 में वो लायबल होगा। तो इसमें क्या है, हूएवर मेक्स और सर्कुलेट्स अ फॉल्स वार्निंग और अलार्म एज टू डिजास्टर, डिजास्टर के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, और इट्स सेवरिटी और मैग्नीट्यूड, कि इसकी जो गंभीरता है या इसका जो मैग्नीट्यूड है, कितना भारी खतरा है, इसके बारे में अगर कोई फॉल्स वार्निंग या फॉल्स अलार्म भेज रहा है, किसी को मैसेज भेज रहा है, किसी को कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, लीडिंग टू पैनिक, जिससे क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है, तो उसकी सजा मिलेगी, उसके लिए 1 साल तक की सजा या फिर फाइन।